जय हिंद। टुडे वी विल डिस्कस सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट। लेट्स स्टार्ट। सी प्लस प्लस द सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन एलिमेंट्स। दे आर लेटर, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल। सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट में तीन मेन एलिमेंट होते हैं और तीन मेन एलिमेंट कुछ इस प्रकार है। अगर हम लोग देखें तो सब पहला जो एलिमेंट है वो है लेटर, दूसरा है डिजिट्स और थर्ड है स्पेशल सिंबल्स। अगर हम लोग बात करें लेटर्स का तो लेटर्स अपर केस या लोअर केस में हो सकता है और लेटर जो होता है वो ए से जेड हो सकता है। अगर हम लोग बात करें कि ये ए से लेके जेड तक एक अपर केस होता है, अपर केस जिसको हम लोग अपर केस बोलते हैं, अपर केस, या फिर इसको हम लोग कैपिटल लेटर भी बोलते हैं, कैपिटल लेटर भी बोलते हैं। और एक होता है स्मॉल लेटर यानी ए से लेके जेड तक, यानी कि इसको हम लोग स्मॉल लेटर बोलते हैं या तो लोअर केस बोलते हैं, स्मॉल लेटर या लोअर केस कहते हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर किसी भी प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग कोई भी कोड को लिखते हैं तो उसके लिए तीन ही एलिमेंट का जरूरत होता है, तीन ही एलिमेंट का जरूरत पड़ता है। जैसे पहला जो एलिमेंट है वो लेटर है, दूसरा है डिजिट्स और तीसरा है स्पेशल सिंबल्स। ये तीनों एलिमेंट को यूज करके हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग को बनाते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए ये तीन एलिमेंट का जरूरत पड़ता है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो डिजिट्स क्या होता है, ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक होता है जो वैलिड है C++ में, 0 से लेकर 9 तक। यानी किसी भी नंबर्स को अगर हम लोग को लिखना है, तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर को ही यूज करते हैं। किसी भी बड़े से बड़े नंबर को लिखना है, कितनी भी अगर हम लोग लाखों करोड़ों नंबर जितना भी हम लोग लिखना चाहते हैं, जितना भी लिखेंगे वो 0 से लेकर 9 तक को ही यूज करते हैं, 0 से लेकर 9 तक। और इसका जो लेटर का रेंज तो समझ ही गए हम लोग, ये ए से लेकर जेड तक होता है, ये स्मॉल और कैपिटल दोनों में होता है। डिजिट्स होता है 0 से लेकर 9 तक। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो ये स्पेशल सिंबल होता है। स्पेशल सिंबल क्या होता है, जो एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल है। देयर आर द वैरायटी ऑफ सिंबल्स वेरिएबल इन C++ लाइक मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर। यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारा मैथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है, उसी को हम लोग स्पेशल सिंबल कहते हैं। जैसे अगर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर की अगर हम लोग बात करें तो प्लस, माइनस, डिवाइड, इक्वल टू, रिमाइंडर, ये सारा चीज़ जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर के रूप में हम लोग जानते हैं। लॉजिकल में हम लोग जानते हैं एंड, और नॉट को, ठीक है। रिलेशनल में जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारा रिलेशनल ऑपरेटर है। तो कुछ इस तरह से ये स्पेशल सिंबल होता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैज़ है, एट द रेट है, कुछ प्लस है, माइनस है, ठीक है, ये स्टार है, कुछ इस तरह से बैक स्लैश है, स्लैश है, बहुत सारा इस तरह से स्पेशल सिंबल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग स्पेशल सिंबल कहते हैं। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए ये तीनों एलिमेंट का यूज करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में अगर आप देखें तो कोई भी चीज़, अगर कुछ भी लिखना हो आपको कंप्यूटर में, ये तीन ही एलिमेंट का यूज करते हैं। ये तीनों एलिमेंट का यूज करके हम लोग किसी भी तरह का लेटर ऐसे या कुछ भी हम लोग कंप्यूटर में कोई अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तब भी हम लोग इन तीनों एलिमेंट का ही यूज करते हैं। तो कुछ इस तरह से अगर हम लोग बात करें ये कोडिंग के लिए, खास करके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये तीन एलिमेंट होता है और तीनों एलिमेंट को यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं। तो कुछ इस तरह से ये कैरेक्टर सेट होता है और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट होता है। कैरेक्टर सेट ये तीन ही मेन एलिमेंट होता है जिसका यूज करके हम लोग C++, जावा, पाइथन, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खास करके इसका यूज किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये कैरेक्टर सेट आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।